हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर्ड मैकेनिकल। इस वीडियो में हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की प्रॉब्लम नंबर 4 ड्रॉ करनी सीखेंगे। ये दोनों व्यू गिवन है, आपका ये फ्रंट व्यू है और ये टॉप व्यू गिवन है। इसकी मदद से हमें ये आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है। देखिए बेटा, सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे टॉप व्यू से। इसकी बेस की लंबाई और चौड़ाई देखेंगे, ये 40 है, ये 80 है, तो 80x40 का आपको एक बेस बनाना है। 80x40 का बेस बनाने के बाद बीच में सेमी सर्कुलर पार्ट है, इसका डायमीटर कितना है 25, इधर से ये लेंथ कितनी है 10 और ये कितनी है 10, हाइट कितनी है 35 और बेस से कुछ 10 mm ऊपर है मेरा ये पार्ट। ये जो सर्कल है ये थ्रू आउट सर्कल है जिसका डायमीटर 10 mm है, जो यहाँ से भी कितनी mm है 15 mm और यहाँ से भी कितना है 15 mm और यहाँ पे इसका डायमीटर है 10 mm, तो पीछे से 10 mm और टोटल है ये 80, 80 में से 45 गए, आपका 35 बचा, तो ये लेंथ आपकी इस तरीके से ये इंक्लाइंड लाइन है। ठीक है, इसको बनाने की शुरुआत कैसे करेंगे? सबसे पहले आप क्या करें, आप एक लाइन ड्रॉ करें हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद कहीं पे भी एक पॉइंट मार्क कर लें, यहाँ मार्क कर लिया हमने, और इस पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 30 डिग्री का एंगल। ये देखिए 30 डिग्री एंगल ये हो गया और इधर भी 30 डिग्री का एंगल हो गया, तो इधर हमें कितनी लेंथ लेनी है, हमें लेंथ लेनी है इधर 80। ठीक है, तो हम शुरू में ही 80 mm की लेंथ ही ड्रॉ करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, ये हो गया 80, राइट। और इधर कितना हो जाएगा, 40 है, तो ये देखिए 40, ये 40 हो गया, हो गया जी। अब ये देखिए हाइट कितनी है, 10 mm, तो फटाफट से ले लिया हमने इसको 10 mm, इधर 10 mm हमने ले लिया इधर और इसको ज्वाइन करा दिया। ठीक है, इधर भी कितना लेंगे, 10 mm ही लेंगे भाई, और इसको भी ज्वाइन करा दिया। ठीक है, और कंपास उठाइए, इतना खोलिए, कितना 40 mm, और यहाँ से एक आर्क लगा दीजिए और कंपास रखिए अब यहाँ पे और लेंथ खोलिए 80 mm और यहाँ से रख के एक आर्क लगा लीजिए। अगर ड्राफ्टर हैं तो सेकंडों का काम है ये पैरेलल लाइनें ड्रॉ करना, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हम विदाउट हेल्प ऑफ ड्राफ्टर ये वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग सकता है। हो गया ये, अब देखिए इधर से कितना छोड़ना है 10 और ये टोटल कितना है 35, तो ये छोड़ दिया हमने जी यहाँ से 10 mm और ये पॉइंट कितना हो गया 35, 10 20 30 35, ये आ गया वो पॉइंट 35 वाला, चलो इसको बाद में देखेंगे। इधर से कितना छोड़ना है 10, इसको देखिए, इसको नहीं, ये 10, ये 25 और 10, पॉइंट मार्क कीजिए फटाफट से, 10 25, 10 20 25, ये आ गया, उसके बाद ये भी आ गया मेरा, 10 हुआ, 10 20 25 हो गया और फिर 10 mm हो गया, तो ये टोटल हमने कितना लिया है, 80 लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए हमारी लाइन आ जाएगी यहाँ पहले वाली, कितना लिया है ये हमने, ठीक है 10 mm ही मार्क किया है, ये हो गया यहाँ पे, तो इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पे, लेकिन कितना चलना है ये लेंथ देखिए बेटा, ये लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, टोटल 40 है, 40 में से 10 माइनस हुई तो 30 बची, तो आप नीचे से 10 mm छोड़ लें, या तो ये हो गया, ठीक है, और यहाँ से भी 10 mm छोड़ लें, तो ये पॉइंट को ज्वाइन करा दीजिए, अब पैरेलल लाइनें आने दीजिए। पैरेलल लाइनें अगर एक्यूरेट लेनी है तो ये देखिए 10 mm ज्वाइन करा दीजिए फटाफट से, ठीक। अब देखिए 25 mm आगे चलना है, 10 20 25, मेरा सुझाव ये है कि आप मेरे साथ साथ ही बनाएं इस ड्राइंग को, नहीं तो
बहुत टाइम लगेगा आपको इसको ड्रॉ करने में, मेरे साथ साथ बनाएंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपकी ड्राइंग एक ही दिन में बनके रेडी हो जाएगी, एक ही बार में, एक ही दिन भी नहीं, एक ही बारी में रेडी हो जाएगी। बन गया जी बेस, देखिए 10 25 10, ये 10 mm वाला पार्ट भी हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। अब देखिए टोटल कितना था, ये ऊंचाई देखिए 35 है, तो 10 यहाँ से ऊंचा, तो 25 25 की यहाँ पे एक बिल्डिंग बनानी है। बिल्डिंग मतलब पिल्लर टाइप, पिल्लर मतलब ये कितना mm लिया है हमने, ठीक तो लिया है, तो देखिए यहाँ से चलेंगे 25 mm, 10 20 25, ये हो गया, दस बीस पच्चीस ये हो गया, बारी बारी से ये देखिए ये हो गया 25 mm, ये हो गया मेरा 10 20 25 mm। अब इसको ज्वाइन करा दीजिए फटाक से, ये लीजिए हमने ऑलमोस्ट टॉप व्यू को देख के आइसोमेट्रिक व्यू का 70% काम तो कर लिया है। अब देखिए दस बीस पच्चीस हो गया, अब देखिए 10 20 25, अब इसको भी ज्वाइन करा देना है। अब देखिए यहाँ पे भी यही काम करेंगे हम, ये भी 25 mm और ये भी हो जाएगा 25 mm, ठीक, इसको भी ज्वाइन करिए और इसको भी ज्वाइन करा दीजिए। ठीक है, इतना हुआ, इतना होने के बाद देखिए यहाँ सेमी सर्कुलर पार्ट का बनाना है, तो हमें वर्टिकल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में कुछ ऐसा जो हमने फर्स्ट वीडियो में बनाया था वो काम करना है, लेकिन किस प्लेन में करना है, वर्टिकल प्लेन में करना है। तो वर्टिकल प्लेन में करने के लिए आप क्या कीजिए, इसको पहले ज्वाइन कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा ये क्रिटिकल पार्ट है, तो इसको बड़े केयरफुली बनाइएगा आप। तो देखिए टोटल कितना है, 25 है, 25 का हाफ ले लीजिए, मिडिल पॉइंट आ गया। अब देखिए नीचे की तरफ आना है, कितना इसका डायमीटर कितना है, 25 है, तो एक रोम्बस बनानी है कितने की, 25 बाई 25 की, तो 10 12 12.5 इधर और 12.5 ही ऊपर, 10 12 और ये हो गया 12.5, ज्वाइन कराया। अब देखिए अब हमें पैरेलल लाइनें ड्रॉ करनी है, पहले इनको एक्सटेंड कर लीजिए, आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, इन लाइनों को एक्सटेंड कर लीजिए कुछ इस दिशा में, और यहाँ से लाइनें ड्रॉ करनी है आपको, थोड़ी सी पैरेलल रहेंगी, या यूँ कीजिए यहाँ से भी 12 12 माप लीजिए, 10 12 और 0.5, और ये आ जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये तो था ही मेरा, ठीक है, ये हमने वो रोम्बस रेडी की है जो ये इस ड्राइंग में मैंने थोड़ी सी ड्रॉ करके दिखा रखी है, ये रोम्बस ड्रॉ कर ली है हमने, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसके इन पॉइंट्स को मिलाएंगे, इस पॉइंट को मिलाने की ज़रूरत तो है नहीं वैसे, लेकिन कौन से पॉइंट को मिलाएंगे, इसको और इसको, और क्या कीजिए, कंपास उठाइए, यहाँ पुट कीजिए, इतना खोलिए, कितना इतना, और एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए, इतनी ड्रॉ हो जाएगी। उसके बाद देखिए थोड़ा सा 1 2 mm का एरर आ रहा है, तो जो ये सेमी सर्कुलर पार्ट रहेगा वो कैसे ड्रॉ होगा, जब मैं इस पार्ट को, सॉरी
इस पार्ट को यहाँ मिलाऊंगा तो यहाँ से लाइन आएगी, एक इधर से लाइन आएगी, यानी कहने का मतलब यहाँ और यहाँ एक पार्ट आएगा, ठीक है। और इस कंपास की पॉइंट पे रख के और ऐसे एक आर्क लगानी है, कोशिश करते हैं लग जाएगी तो ठीक है, नहीं तो आप क्या कीजिए, सर्कल मास्टर की हेल्प लीजिए या फिर थोड़ा सा फ्री हैंड ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए, हो तो सकता है ये, लेकिन देखते हैं। तो आप इसको थोड़ा फ्री हैंड ही रखिए, फ्री हैंड कर देंगे तो भी चलेगा। इतना हो गया, इतना काम होने के बाद ड्राइंग आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रही है, लेकिन आपको आपको क्या करना है, ड्रॉ तो करना है, पीछे नहीं हटना है। आपको क्या करना है, देखिए इन लाइनों को ज्वाइन किया था हमने, थोड़ा सा इस लाइन को ज्वाइन कीजिए और देखिए इस कॉर्नर से जहाँ अभी आर्क लगाई है हमने, जो इसका रोम्बस का कॉर्नर था, इतनी ही हाइट पे पीछे लाइन लेनी है। तो देखिए इतनी ही हाइट पे पीछे लाइन लेनी है ऐसे एक तरीके से, और जितनी ये हाइट थी इतनी ऊपर, देखिए मैं कंपास से दिखाता हूँ आपको, इससे ये हाइट, ये देखिए हाइट, इतनी हाइट पे कट लगा लेना है, ये आ जाएगा कट, तो ये सेंटर पॉइंट आ जाएगा। और कंपास कितना खोलेंगे, देखिए कंपास कितना खोलेंगे, जितना यहाँ खोला था, तो इस पॉइंट पर रख के एक आर्क और ड्रॉ करेंगे। हो गया काम, आप उठाइए एच पेंसिल, एच पेंसिल से कर लीजिए मेरे साथ साथ आप डार्क, तो ये कर लेंगे हम डार्क, ये भी करेंगे डार्क, ये भी डार्क हो जाएगा। तो एच पेंसिल से होएगा ये काम, याद रखिए एच पेंसिल, ठीक है। तो ये कंपोनेंट भी हो जाएगा डार्क और ये भी डार्क हो जाएगा, राइट, और ये भी डार्क हो जाएगा। क्या इसके अलावा भी कुछ डार्क होगा, बिल्कुल होगा, ये और ये। अब देखिए इसको इससे ज्वाइन कीजिए, इतना हो गया, अब देखिए ध्यान से हमें क्या करना है, 10 mm हम इधर आए थे, 10 mm हमें इधर भी आना है, ये देखिए 10 mm हम इधर आ जाएंगे, ये पॉइंट आ जाएगा, इस पॉइंट को इससे मिलाना है, इसको कर दीजिए आप पहले कलर से यानी एच पेंसिल से। अब यहाँ से उठाइए इस लाइन को आगे एक्सटेंड कीजिए और यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए, किस लाइन के, इसके पैरेलल ये लाइन जो आ रही है, ठीक है, और इसको कर दीजिए डार्क। ये पार्ट वो है जो आपका एच पेंसिल से रहेगा, इसके अलावा ये जो आर्क दिख रही है आपको, मैं मार्कर से कर देता हूँ, आप थोड़ा जब कंपास से राउंड करें तो क्या कीजिएगा, थोड़ा सा डार्क पहले से ही रखिएगा, क्योंकि आपको स्केच पेन से तो करना नहीं है, आपको तो एच पेंसिल इस्तेमाल करनी है। इतना हो गया, क्या कुछ और भी डार्क रहेगा, हाँ ये पार्ट डार्क रहेगा ना, इतना हो गया। अब एक पार्ट रह गया क्लोज करना, ये हो गया, इतना हो गया। अब देखिए एक्स्ट्रा लाइनों को सबको उड़ा दीजिए, कोई आपको सेंटर पॉइंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपने कैसे बनाया, सारे एविडेंस मिटा दीजिए। आपकी ड्राइंग अच्छी दिखेगी, एक लाइन रह गई है, कौन सी लाइन दिख रही है, दिखा कुछ, ये रहेगी ना, ये हो गया, आया मज़ा, अभी कहाँ आया मज़ा,
अभी तो ये पार्ट भी बनाना है आपको। देखिए 15 इधर और इधर से भी 15, देखिए इधर से भी 15 और इधर से भी कितना mm, 15 mm। तो देखिए 15 15 mm चलना है, तो क्यों ना हम 5 mm इधर चल लें, क्योंकि 10 की तो मार्क कर ही रखी थी। और इधर से भी कितना चलेंगे बेटा, 15 mm। ठीक है, तो इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे एक इस तरीके से। क्या ये लाइन पैरेलल आई है, लग तो नहीं रही, कुछ टेढ़ी लग रही है। ये सेंटर पॉइंट आ जाएंगे बेटा। इस सेंटर पॉइंट पे आपको क्या करना है, 10 बाय 10 mm का ये बनाना है पार्ट सर्कल। क्या 10 mm का आप आइसोमेट्रिक व्यू बना पाएंगे, बहुत छोटा है, टाइम कंज्यूमिंग भी है। अगर ये होता 20 या 25 का, हम 25 का ही ड्रॉ कर पाए, जिसका 25 डायमीटर था उसका ही हमें ये पार्ट क्या करना पड़ा, फ्री हैंड बनाना पड़ा। क्या आप इसको बना पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ा फ्री हैंड बनाएंगे। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट 10 mm हो गया, तो सिमिलरली चलिए इधर 10 mm, बहुत छोटा डायमीटर होता है बेटा 10 mm, इसका आप चाह के भी नहीं ड्रॉ कर सकते, दिखेगा ही नहीं आपको कुछ। कंपस को घुमाएंगे कहाँ, छोटा कंपस भी इस्तेमाल कर लेंगे ना जो ज्योमेट्री बॉक्स में आता है, उसकी मदद से भी नहीं हो पाएगा ये काम आपका। तो हमने कोशिश तो की है लेकिन ये हो नहीं पा रहा। तो इसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए आप क्या कीजिए, फ्री हैंड का इस्तेमाल कीजिए। फ्री हैंड में क्या करते हैं, हम एलिप्स दिखाते हैं 10 mm बाय 10 mm के सर्कल में, एलिप्स दिखा देना। रेडी होगी ड्राइंग, क्या डायमेंशनिंग पे चलें, जल्दी से डायमेंशनिंग कर लेते हैं। देखा बेटा, इसको साइड में रखें, ये लेंथ कितनी है, इसको चाहे तो रब भी कर लें लेकिन ज़रूरत नहीं है। ये कितना है और ये कितना है भाई, ये डायमेंशनिंग तो बतानी है ना आपको, सबसे पहले छोटी डायमेंशनिंग बतानी शुरू करेंगे ये वाली। ये कितना है, 10 mm है ना, ध्यान दीजिएगा ऊपर लिखा है 10 mm, ये रहा। यहाँ से कितना है, ये डायमेंशनिंग कितनी है, 40 है बेटा, 40 और ये हमने ऐसे डायमेंशनिंग करनी है इसकी। ये कितना है, ध्यान दीजिएगा, ये कर लेते हैं पहले, एक ही बार में कर देंगे सारे कंपोनेंट की डायमेंशनिंग जल्दी से, ये और ये। यहाँ एरो हेड बनाइए 1:3 के, शार्प एरो हेड होने चाहिए, पेंसिल को 1:3 में रखिएगा और शार्प रखिएगा एरो हेड को। और ये देखिए, ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 10, ये हाइट बता सकते हैं, बिल्कुल बतानी पड़ेगी, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये हाइट हो जाएगी बेटा आपकी कितनी, 35 mm है ना, देखिए 35 mm है। तो एरो हेड बनाइए शार्प 1:3 में और इस तरीके से दिखा दीजिए कितना, 35 mm। ठीक है, और कुछ, जी बिल्कुल, ये हाइट कितनी है, 10 mm है बेटा। ठीक है, क्या कुछ और भी दिखेगा, सब कुछ तो कर चुके हैं, 80 mm रह गया बस, लेकिन पहले हमें लेना पड़ेगा ये, नहीं यही लेना है बस, यहाँ एरो हेड बनाइए 1:3 का, यहाँ भी एरो हेड बनाइए कितना, 1:3 का, और ये डायमेंशनिंग आ जाएगी 80। देखिए बेटा
ये ड्राइंग आपकी बनेगी। दिखने में ठीक लग रही है, बनाने में भी मेहनत है, आपको ड्रॉ करने में इसको काफ़ी समय लगेगा, तो बेटर है कि वीडियो के साथ साथ बना लें, नहीं तो भूल जाएंगे बहुत सी चीज़ें। जब आप बनाना सीख लें, जब आप इसको बिना देखे बनाइएगा, पहले आप इस वीडियो को पूरा देख के और बना लीजिए। क्या इस सेमी सर्कल की हमें डायमेंशनिंग करनी पड़ेगी? कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक डायमीटर बता तो दिया। क्या सेंटर पॉइंट बताना पड़ेगा? अगर किसी की इच्छा है तो ये था सेंटर पॉइंट, ऐसे करके बता दीजिए। अगर आपको बताने का मन है तो बिल्कुल बता दीजिए। कितना R25 लिख दीजिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बचा ये वाला सर्कल, इसकी तो आप क्या कीजिए, अंदर एरो हेड बनाइए, ये जो इलिप्स है ना, और इस तरीके से लाइन लगा के लिख दीजिए 5, 10। ठीक है, तो ये हमारी फिगर थी जिसको हमने ड्रॉ करना सीखा आज। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू दोनों की मदद से ये व्यू बनाया, यानी ये व्यू बनाने में हम सक्सेसफुल हो गए। ठीक है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, आपको लगेगा थोड़ा सा टाइम यहाँ पे, जब आपको वर्टिकल प्लेन में कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा। ये ऐसे बनाया था हमने आज, ये यहाँ पे। इससे पहले हम कैसे बनाते आए थे, ऐसे बनाते थे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, आज हमें वर्टिकल में बनाना पड़ा, थोड़ा चैलेंजिंग था लेकिन हम इसको बनाने में सफल रहे। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू वेरी मच।